नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के तहत कंपनी को यह अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति की वर्चुअल तौर पर किसी भी एक्टिविटी को देख सके। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि नई प्राइवेट पॉलिसी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। कोर्ट में दाखिल याचिका में यह भी कहा गया है कि यह किसी भी व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन है। यह याचिका वकील चैतन्य रोहिल्ला की तरफ से लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी कंपनियां पहले ही गैरकानूनी तरीके से आम लोगों का डेटा थर्ड पार्टी को शेयर कर रही है। ऐसे में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी बिना सरकार से इजाजत लिए बनाई गई है। इस याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और उसके साथ भारत सरकार व्हाट्सएप के इस्तेमाल और लोगों की राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस जारी करे। याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के संशोधन 79(2)(c) और सेक्शन 87(2)(z)(g) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह सुनिश्चित करे कि व्हाट्सएप किसी भी थर्ड पार्टी को यूजर्स का डेटा साझा नहीं कर पाए। व्हाट्सएप ने 4 जनवरी को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए इसके सभी नियमों और शर्तों को मंजूर करना जरूरी है। इसके तहत व्हाट्सएप ने अब यह अनिवार्य कर दिया है कि जो भी यूजर नियम और शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा उसका अकाउंट 8 फरवरी के बाद बंद कर दिया जाएगा। याचिका में यह भी कहा गया है कि व्हाट्सएप की हाल ही में अपडेट की गई प्राइवेसी पॉलिसी को यूरोप में लागू नहीं किया गया है, क्योंकि वहां पर पहले ही डेटा प्रोटेक्शन लॉ है जिसके तहत यूजर्स का डेटा शेयर करना दंडनीय अपराध है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।